दरबार की जय जय माता दी। निधि जी, माता के दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। आप नवरात्रि कैसे मनाती हैं? देखिए, नवरात्रि सुनने में ही एक भक्ति है। नवरात्रि में सारे भक्त, मैं हूँ, आप हैं, सारे लोग सुबह शाम बस माँ के लीन में रहते हैं, उनकी भक्ति करते रहते हैं। तो यही हमारी नवरात्रि जो है, नौ देवियों के रूप होती हैं, जहाँ हम सुबह शाम बस माँ की भक्ति करते रहते हैं और बहुत मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि सिर्फ ये नौ दिन नहीं, हमें हमेशा माँ की भक्ति करते रहना चाहिए और माँ को याद रखना चाहिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। आप जाइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और एंजॉय कीजिए माता की भक्ति। जरूर जरूर। नवरात्रि के तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का होला, तो आई उनका स्मरण कैल जा। हे माँ, हे देवी, अपन भक्तन के नमन स्वीकार करी और प्रकट हुई। बेटी, बाल रूप के दर्शन पाके हम बहुत प्रसन्न हुए। आपके स्वागत में हम एक प्रस्तुति करत बानी, एक रहते स्वीकार करी। अवश्य बेटी। दुर्गा जी का तीसरा अवतार चंद्र घंटा देवी के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रा होने के कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। अपने वाहन सिंह पर सवार माँ का यह स्वरूप युद्ध और दुष्टता का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। इनके घंटे की आवाज से दुष्ट, पापी, दैत्य, राक्षस और अत्याचारी बहुत डरते हैं, लेकिन भक्तों को घंटे की आवाज से अलौकिक सुख प्राप्त होता है। उन्हें इसकी ध्वनि दिव्य ध्वनि लगती है। माँ, आपसे मेरा एक सवाल है। एक ही घंटे की आवाज भक्तों को सुरीली लगती है और वहीं दैत्यों को डराती है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का मात्र एक ही कारण है, नकारात्मक और सकारात्मक भाव। जैसे कि घर में धातु के बर्तन टकराने की आवाज़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कानों को बहुत चुभती है, लेकिन मंदिर में धातु की घंटियाँ जब बजती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाते ही हमारे अंदर से सभी नकारात्मक भाव मिट जाते हैं। ऐसे ही जो लोग नकारात्मक होते हैं उन्हें मेरे घंटे की आवाज़ से डर लगता है, और जो सकारात्मक होते हैं उन्हें यह दिव्य ध्वनि लगती है। अर्थात यदि राव लोग जीवन में सकारात्मक रहब तो कोनो चीज तकलीफ ना दे सकेले। यही से मात्र नवरात्रि में ही नहीं बल्कि रोज माँ की पूजा करी ताकि जीवन में सकारात्मकता बनल रहे। आइए माँ के चरणों में एक और भक्तिमय प्रस्तुति अर्पित कईल जा। जैसे माता चंद्र घंटा क्रोध और साहस का रूप है, इनकी उपासना से आपकी इंद्रियां जागृत होती हैं और आप निडर बन जाते हैं। और ये बात तो सबको पता है, निडर व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। माता, पुराने लोग तो आज भी आपकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए नवरात्रि सिर्फ मनोरंजन है। इस पीढ़ी को पूजा का महत्व कैसे सिखाया जाए? आज की पीढ़ी धर्म से ज़्यादा विज्ञान पर भरोसा करती है, तो उन्हें विज्ञान की भाषा में समझाया जाए कि जैसे नाचने से, गाने से या अपनी पसंद का काम करने से आपको खुशी मिलती है, वैसे ही पूजा करने से भी दिव्या ऊर्जा मिलती है। दोनों दिखाई नहीं देती, उसे बस महसूस किया जा सकता है। जैसे भोजन के सभी स्रोत में से किसी में प्रोटीन अधिक होता है, किसी में विटामिन, किसी में वसा, किसी में कार्बोहाइड्रेट, वैसे ही अलग अलग इंद्रियों को जागृत करने के लिए मेरे अलग अलग रूप की उपासना करनी पड़ती है। हम के लागत बाकी ई बात से आपकी जरूर समझ आ गई होई, नौ दिन में अलग अलग देवी के उपवास करे के पीछे का कारण बाटे। माता चंद्र घंटा की उपासना से व्यक्ति साहसी होवेला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक और भक्तिमय प्रस्तुति का आनंद लेते हैं और माता की भक्ति में डूब जाते हैं।